हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आस्थाज किचन। आज हम बना रहे हैं आंवले की चटपटी टेस्टी कैंडी, जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तो है ही, इसके साथ ही यह खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो फिर चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 500 ग्राम आंवला लिया है और इसे अच्छे से वाटर से क्लीन कर लिया है। अब हमें आंवलों को स्टीम कुक करना है। इसे वाटर में बॉयल नहीं करेंगे, क्योंकि आंवले में विटामिन सी की मात्रा भरपूर होती है। सबसे अधिक आंवले में विटामिन सी ही पाया जाता है और विटामिन सी पानी में घुलनशील सोल्यूबल विटामिन है। यदि हम इसे पानी में बॉईल करेंगे तो विटामिन सी आंवले से निकलकर पानी में चला जाएगा। आंवलों को हम स्टीमर या किसी भी जालीदार बर्तन में रख लेंगे। ये दो आंवले बच गए हैं, हम इसे अलग रख देते हैं। पॉट में 2 गिलास पानी ले लिया है। इसके ऊपर आंवलों को रख कर इसकी लेड लगाकर स्टीम कुक होने के लिए रख देंगे। पंद्रह मिनट तक हमने इसे स्टीम दिया है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। वैसे आप देख रही हैं, आंवले खिल गए हैं, इनकी कलियां आराम से अलग हो जाएंगी। अब यह बहुत गर्म है, थोड़ा ठंडा होने के बाद हम आंवले की गुठलियों को अलग कर लेंगे। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं हमारा शरीर विटामिन सी को स्टोर करके नहीं रखता है। इसके पर्याप्त लेवल को बनाए रखने के लिए हमें रोज विटामिन सी युक्त फूड इन्ग्रीडियंट्स लेने की ज़रूरत होती है। विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। इस रोग में यदि किसी व्यक्ति को घाव या जख्म हो जाता है तो उसे भरने में समय अधिक लगता है। आंवले की तासीर ठंडी होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसर गुड़ भी पाए जाते हैं और यह सर्दी खांसी वायरल और बैक्टीरियल डिजीज से बचाने में तो सहायक है ही। यह एक इम्यूनिटी बूस्टर भी है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है। आप देख सकती हैं, बहुत आराम से इनकी गुठलियाँ हाथों से ही अलग हो जा रही हैं, नाइफ की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम आंवले का पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के लिए ग्राइंडर में ग्रेट किया हुआ 2 चम्मच अदरक, आधा चम्मच सफ़ेद नमक, आधा चम्मच काला नमक डाल देंगे। आप नमक की मात्रा बढ़ा भी सकती हैं। पेस्ट रेडी हो चुका है। जितना आंवला हमने लिया है उतनी ही मात्रा में चीनी इसमें मिलाकर मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। यदि आपको और मीठा करना हो तो आप चीनी की भी मात्रा बढ़ा सकती हैं। अब इसमें 1 नींबू का रस डालेंगे। दो चम्मच कॉर्न स्टार्च को 2 चम्मच पानी में घोलकर जेली में डालकर अच्छे से मिला देंगे। कॉर्न स्टार्च डालने से जेली अच्छे से जम जाती है और कैंडी अच्छी बनती है। एक चौथाई चम्मच दालचीनी पाउडर डालेंगे और 1 या 2 चम्मच देसी घी इसमें डाल देंगे। देसी घी डालने से इसमें और भी शाइनिंग आ जाती है और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। यदि जेली का इस तरह से बॉल बनने लगे तो यह कैंडी बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमने 1 व्हाइट पेपर लेकर इसे थोड़ा सा हीट कर लिया है। अब हम इसे घी से ग्रीस कर लेंगे। आप बटर पेपर भी ले सकती हैं या सीधे किसी थाली या प्लेट को भी घी या ऑयल से ग्रीस कर सकती हैं।
जेली को पेपर पर फैला देंगे, इसे जितना मोटा या पतला रखना हो रख लेंगे। अब यह ठंडा हो चुका है, इसे कट कर लेंगे। आप किसी भी शेप में इसे काट सकती हैं। आप देख सकती हैं कैंडी कितनी अच्छी बनी है। कुछ कैंडी को हम ऐसे ही रहने देंगे, कुछ को पीसी हुई चीनी से कोट कर देंगे।